इस सीजन के बिग बॉस में शाहिद खान को देखकर सभी लोग अचरज रह गए, सभी लोग अचंभित रह गए कि साजिद खान को इस तरीके से बिग बॉस में लाने का मकसद क्या है। साजिद खान की छवि को सुधारना है या फिर साजिद खान को बॉलीवुड मदद कर रहा है। साजिद खान का फिल्मी कनेक्शन पब्लिक से छुपा हुआ नहीं, वो ब्रदर है फराह खान के और डेजी रानी और रैनी रानी जैसे पुरानी एक्ट्रेस उनकी आंट्स हैं। फरहान अख्तर और जोया अख्तर उनके मैटरनल कजन्स हैं। साजिद खान अपने बारे में बताते हुए कहते हैं कि उनकी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ फिल्म है। बॉलीवुड में एंटर होना उनके लिए कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट तो था ही नहीं, क्योंकि उनके बैकग्राउंड पारिवारिक फिल्मों से जुड़ा हुआ है। मगर उन्होंने अपनी शुरुआत डीजे से की थी जब वो 16 साल के थे और कॉलेज में पढ़ रहे थे। जब वो 25 साल के हुए तब उन्होंने सीरियलों में होस्टिंग करना शुरू किया और उनका पहला फिल्म झूठ बोले कौवा काटे से लोगों ने के बीच उनकी जान पहचान बनी। उसके बाद वो बहुत सारे डिफरेंट अलग अलग शोज़ के होस्ट बने और कुछ कुछ फिल्मों में कैमियो किए। लेकिन जब वो 36 साल के हुए तो उन्होंने अपना सबसे पहला डायरेक्टरियल डेब्यू किया। डरना ज़रूरी नाम के मूवी में उन्होंने जो 6 स्टोरी से मिली हुई एक कहानी थी उसमें एक स्टोरी को डायरेक्ट किया। उसके बाद उन्होंने 2007 में हे बेबी नाम की मूवी बनाई, 2010 में हाउसफुल बनाई, 2012 में 2000 हाउसफुल 2 बनाई। इस तरीके से 3 कंसेक्यूटिव हिट्स उन्होंने दिया, जिसकी वजह से लगातार हिट देने की वजह से उनके अंदर एरोगेंट आ गया और वो काफ़ी घमंडी हो गई। उसके बाद जब उनके कर्मा ने उन्हें वापस नीचे गिरा दिया, हिम्मत वाला जैसी फिल्म और हमशक्ल जैसी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत बुरी तरीके से फ्लॉप रही। इसके बाद उन्होंने फैसला किया कि वो पब्लिक से छिप कर ही काम करेंगे और उन्होंने कमरे में बंद होकर हाउसफुल 4 लिखना शुरू कर दिया। जब उन्होंने हाउसफुल 4 को लिखना शुरू किया तो उन्हें उस प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया गया, जिसके पीछे रीज़न था मी टू मूवमेंट। मी टू मूवमेंट में बहुत सारी महिलाओं ने औरतों ने उनके खिलाफ सेक्सुअल हरेसमेंट का इल्ज़ाम लगाया था, जिसकी वजह से इंडियन फिल्म और टेलीविज़न डायरेक्टर एसोसिएशन ने उन्हें 1 साल के लिए बैन कर दिया। उन्होंने अपने बचाव में एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने बताया था कि जो भी इल्ज़ाम उन पर लगे हैं वो सब गलत है, और इस तरीके से वो लाइमलाइट से दूर होकर लगभग 4 साल के लिए घर में ही थे। 4 साल बाद वो बिग बॉस के सीज़न में सलमान खान के बगल में नज़र आए, जिसमें उन्हें कंटेस्टेंट के रूप में प्रेजेंट किया गया। इसे देखकर बहुत सारी महिलाएं औरतें जिन्होंने सोशल मीडिया पर अपना एंगर दिखाना शुरू कर दिया कि कैसे उन्हें बिग बॉस जैसे रियलिटी शो में अंदर जाने दिया जा रहा है। साजिद खान के बिग बॉस पर दिखते ही फिर से सोना महापात्रा और कई सारी फीमेल जर्नलिस्ट और एक्टिविटीज़ ने उनके खिलाफ मोर्चा संभाला।